नमस्कार, मैं डायटिशियन सिप्पी तनेजा अमृत धारा माई हॉस्पिटल से। आज हम सॉटे वेजीज बनाने वाले हैं। उसके लिए हम सबसे पहले ब्रोकली, मशरूम्स और बेबी कॉर्न्स और बीन्स को स्टीम करेंगे। ब्रोकली काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स है और इसमें प्रोटीन भी होते हैं। मशरूम एक ऐसी चीज है जो विटामिन डी का सोर्स है। ये सिर्फ वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें से विटामिन डी मिलता है, नहीं तो सारे नॉन वेज या एनिमल फूड में से विटामिन डी मिलता है। ये हम बीन्स ले रहे हैं और ये हम कुछ बेबी कॉर्न्स ले रहे हैं। इसको अब हम स्टीमर में डाल देंगे। ये हमने पैन ले लिया है और हम इसमें अराउंड 1 टीस्पून के बराबर ऑलिव ऑयल ले लेंगे। ऑलिव ऑयल का जो स्मोकिंग पॉइंट है वो 150 डिग्री तक रहता है, इसलिए वो बहुत हाई स्मोकिंग पॉइंट नहीं वाले ऑयल्स हमें अवॉइड करने हैं, तो ये हम इसमें डाल देंगे। इसके अंदर अब हम थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे ऑयल में। गार्लिक के अंदर एलेसिन होता है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है और हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा रहता है। थोड़ा सा हम गार्लिक को सौते करके इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हमने स्टीम की थी वो डालेंगे। ये देख लीजिए कितनी अच्छी स्टीम हुई है। ये बेबी कॉर्न है, ब्रोकली है, मशरूम्स है, बीन्स है। ये वेजिटेबल्स को हमने थोड़ा सा स्टिर फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें बेल पेपर्स डालेंगे। बेल पेपर्स में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हम इसको बड़े वाले कट्स में भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप वैसे ले सकते हैं। मैंने दोनों कटिंग करवाई है तो आप कोई भी ले सकते हैं। ये रेड बेल पेपर्स है, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं और इससे हमारा मूलाधार चक्र भी बैलेंस रहता है। कैरेट्स है, ये कैरेट्स भी हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये येलो पेपर्स है, येलो पेपर्स में भी काफी गुड अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। ये ग्रीन पेपर्स है, ग्रीन पेपर्स भी बहुत अच्छा रहता है डाइट में। अब एक बार फिर से हम इनको स्टिर फ्राई कर देंगे। देखिए कितना अच्छा रेनबो कलर आ रहा है। ये कलर हमारे स्किन के लिए, हेयर्स के लिए इतना हेल्थी है मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने इसमें पर्सनली ऑनियंस नहीं डाले हैं, आप चाहें तो इसमें ऑनियंस भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। पनीर एक काफी अच्छा प्रोटीन का सोर्स है और ये हम एज अ पोस्ट वर्कआउट मील भी ले सकते हैं। जो हमारे एथलीट्स हैं वो इसको एज अ पोस्ट वर्कआउट मील ले और हम लोग इसको अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं तो डिनर में भी हम इसको बना सकते हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे, फिर हम डालेंगे ऑरिगेनो। चिली फ्लेक्स आप अपने हिसाब से, इसमें ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं और ब्लैक पेपर। अब हम अच्छे से इसको टॉस कर देते हैं। मैं चाहती हूं आप ये अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसमें काफी एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिंस हैं, मिनरल्स हैं, कॉम्प्लेक्स फाइबर है, हमारी गट के लिए ये बहुत अच्छा है, प्रोटीन है, तो ये हमें सेटाइटी भी देगा और हमारी स्किन हेयर्स भी अच्छे रखेगा। थैंक यू।